मुश्किलों से क्या डरूं, मैंने डर को डरते देखा है, मुश्किल हालात हों या वक्त, अपनी माँ को लड़ते देखा है। मुश्किल हालात हो या वक्त, अपनी माँ को लड़ते देख लिया। अब यूं हुआ कि श्रृंगार भी देख लिया भगवान का, अब यूं हुआ कि श्रृंगार भी देख लिया भगवान का, कैसे पूछते हो, अरे माँ को संवरते देखा है। अब जिसका सबको सबको क्या, मेरे को ही इंतजार था आशिकी वाली शायरी होगा, उसकी शुरुआत करते हैं। तो लिखा है कि तेरी गली में बेवजह यूं आना छोड़ दिया, मैंने लोगों को गम का सबब बताना छोड़ दिया। तेरी गली में बेवजह यूं आना छोड़ दिया, मैंने लोगों को गम का सबब बताना छोड़ दिया। और कहीं आ ना जाए तेरा नाम, कोई पूछे ना सबब उदासी का, कहीं आ ना जाए तेरा नाम, कोई पूछे ना सबब उदासी का, इसलिए हमने बेवजह मुस्कुराना छोड़ दिया। शुक्रिया। अब नया नया कोई पसंद आता है तो उसके लिए कुछ लिखा है कि उनके बारे में लिखूं भी तो क्या लिखूं, उनसे अभी बातें बहुत थोड़ी हैं। वो है तो हर ख्वाब में मेरे, पर जिंदगी की रातें बहुत थोड़ी। नाम उनका सोचा है मिटा के बहा दूं अपनी दहलीज से, नाम उनका सोचा है मिटा के बहा दूं अपनी दहलीज से, पर सुना है इस मौसम में बरसातें बहुत थोड़ी। एक अशार लिखा था कि तेरी छत से दिखने वाले हर अब्र से वाकिफ हूं, अब्र का मतलब बादल। तेरी छत से दिखने वाले हर अब्र से वाकिफ हूं, तेरे घर का पता मालूम है, मौत से पहले अपनी कब्र से वाकिफ हूं। अर्ज किया है कि खुद को तेरी आंखों की मस्ती में खो भी दिया करते हैं, खुद को तेरी आंखों की मस्ती में खो भी दिया करते हैं, तुम बस एक हसीन सा ख्वाब हो, हंसते हंसते कभी ये सोचकर रो भी दिया करते हैं। अब एक तरफा प्यार की ताकत तो आप सबको पता है कुछ और ही होती है, तो एक तरफा प्यार के लिए लिखा है कि तुम चाहो तो ये प्यार मुझे वापस मत देना, ये मेरी मोहब्बत है, कोई कर्ज नहीं है। तुम चाहो तो ये प्यार मुझे वापस मत देना, ये मेरी मोहब्बत है, कोई कर्ज नहीं है, और दम भी निकले और मजा भी आए, कमबख्त आशिकी जैसा भी कोई मर्ज नहीं। अच्छा, हमारी जनरेशन में क्या है कि लोगों को रूहों से ज्यादा जिस्मों से प्यार, और इसमें खराब लोग अच्छे लोग सब सिमटते जा रहे हैं। तो अच्छे लोगों के लिए लिखा है कि मोहब्बत कर ली ना जिस्मों से, अब रूह को भी आजमा कर देख लो, मोहब्बत कर ली ना जिस्मों से, अब रूह को भी आजमा कर देख लो, पिघल जाएंगे यहां पत्थर दिल भी, ना मानो तो मुस्कुरा कर देख लो। शुक्रिया। अर्ज किया है कि वो दिल में तो होता है पर आगोश में नहीं होता, वो दिल में तो होता है पर आगोश में नहीं होता, बेहोश शख्स है कभी होश में नहीं होता, बेहोश शख्स है कभी होश में नहीं होता। और रकीब, रकीब का मतलब जो आपका कंपटीटर है आशिकी में, रकीब करता होगा वादे जीने मरने के, रकीब करता होगा वादे जीने मरने के, पर इश्क इश्क है, सलीके से होता है, जोश में नहीं होता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पता नहीं ऑब्जर्व किया हो कभी कि किसी चीज को बहुत ध्यान से रख दो ना तो वो खो जाती है, मिलती नहीं। उसी पर लिखा है कि इतनी हिफाजत से रखा था तुझे कि दिल में ही कहीं खो गई है, इतनी
हिफाजत से रखा था तुझे कि दिल में ही कहीं खो गई है और ढूंढे से भी ना मिली तो किसी और की हो गई है। ढूंढे से भी ना मिली तू किसी और की हो गई है और तेरे खत का इंतजार मेरी नींद ले गया। तेरे खत का इंतजार मेरी नींद ले गया। मैं जागा हूं आज भी, पूरी दुनिया सो गई है। शुक्रिया। अब आखिरी एक गजल सुनाता हूं। अच्छा, इसमें एक सवाल है, एक जवाब है कि तेरी तस्वीर से गुफ्तगू करता हूं, हर शहर तेरी ही आरजू करता हूं। हर तेरी तस्वीर से गुफ्तगू करता हूं, हर शहर तेरी ही आरजू करता हूं। सवाल बहुत हैं पर खुद से सिर्फ एक कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। अब इसका जवाब ये कि वो तस्वीर तो तुम्हारी है, मेरा इश्क एक ला दवा ला इलाज बीमारी है और सोचता हूं कि छू लूं तुझे पर भला जल जाने में कौन सी होशियारी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।